दोस्तों आईपीएल मेगा ऑक्शन होने वाला है, उससे पहले कई चीजें अब निकल के सोशल मीडिया पे आ रही है, और इससे पहले रिटेंशन पॉलिसी भी आएगी, फिर पता चलेगा कि आखिर दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, और फ्रेंचाइजी किस खिलाड़ियों के साथ जाना चाहती है और किसे रिलीज कर देना चाहती है। तो रोहित शर्मा का नाम इनमें सबसे ज्यादा ऊपर आ रहा है हिट लिस्ट पे, तो इसमें भी ये बातें हो रही है अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आएंगे तो उन पे तो पैसों की बरसात होनी लगभग तय ही मानी जा रही है। और अभी तक के आईपीएल के इतिहास के जो सबसे बड़ा ऑक्शन की बोली लगी है ना, वो रोहित शर्मा के नाम पे लगेगी अगर रोहित शर्मा ऑक्शन में आ जाएंगे तो। दोस्तों जैसे बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह या सूर्य कुमार यादव, ये सब ना आईपीएल ऑक्शन में नहीं आए हैं डायरेक्ट, हमेशा इनको उनकी टीमों ने रिटेन किया है। और विराट कोहली तो एक ही टीम से हमेशा खेलते आए हैं, रोहित शर्मा भी मतलब पहले अलग थे लेकिन जब से मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे, काफी टाइम हो गया रोहित शर्मा को भी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए, लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि अब बहुत सारी टीमें ना फंसी पड़ी है। विराट कोहली तो रहेंगे ही आरसीबी में, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा पे अभी भी बहुत सारी बातें चल रही है क्योंकि, और ये चीजें अब क्लियर होगी कब होगी पता नहीं, लेकिन जब तक ये पॉलिसी नहीं आएगी रिटेंशन पॉलिसी, और ये नहीं आएगा कि कौन सी फ्रेंचाइजी ने किस खिलाड़ियों को रिटेन किया है, तब से बहुत ही चीजें चलती आएगी। और रोहित शर्मा में का नाम उसमें सबसे ज्यादा ऊपर चल रहा है क्योंकि रोहित शर्मा को ना मुंबई इंडियंस ने पिछले सीजन में कप्तानी से हटा के ना हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया था, और मुंबई इंडियंस का पिछला सीजन ना बहुत ही खराब भी गया था, तो इसको चलते हुए ये बातें आ रही है कि ये मेगा ऑक्शन से पहले रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन मटेरियल है हर टीम के लिए, तो इसके पीछे अगर रोहित शर्मा को रिलीज कर देंगे ना, बहुत सारी टीमें ऐसी है जो कोई कप्तान का मतलब जाना चाहती है, कप्तान को रखना चाहती है, जैसे पंजाब किंग्स है, बहुत सारी टीमें हैं जो कि उनको कप्तान की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपना पैसा ना बहुत पानी की तरह बहा सकती है, वही उनमें से रोहित शर्मा है। अगर रोहित शर्मा को रिलीज़ कर देगी मुंबई इंडियंस तो रोहित शर्मा के लिए बहुत सारी टीमें ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगी और उनको अपनी टीम में रखेगी। रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन एज अ ओपनर तो बढ़िया है ही, लेकिन एज अ कप्तान और भी ज़्यादा बेहतरीन है प्लेयर हैं वो, तो इसी वजह से रोहित शर्मा पे 50 करोड़ ही क्या बहुत सारे पैसे लग सकते हैं और पूरी जेब खाली कर सकते हैं ना कोई भी फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा को अपनी टीम में लेने के लिए। और ये कयास भी लगाई जा रही है अगर रिटेंशन पॉलिसी में कम खिलाड़ियों को रिटेन का रखा जाएगा तो रोहित शर्मा को रिलीज कर दिया जाएगा, और रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस की बात भी चल रही होगी क्योंकि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की अंडर कप्तानी के नहीं खेलना चाह रहे या फिर एज अ कैप्टन वो उनका फ्यूचर अभी और हो आईपीएल में, और बहुत सारी टीमें ऐसी है जिनके पास कप्तान ही नहीं है, मगर कप्तान है लेकिन कोई ऐसा कप्तान नहीं, जैसे आरसीबी के पास भी कोई कप्तान नहीं होगा इस बार, डुप्लेसी के साथ नहीं जाएगी, तो आरसीबी भी देखना चाहेगी रोहित शर्मा आ जाए तो बहुत बढ़िया है। विराट कोहली रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए इन दोनों ने ओपनिंग करी थी, अगर आरसीबी ले लेगी तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। फिर उसके बाद पंजाब किंग्स है, पंजाब किंग्स के पास भी अब शिखर धवन भी चले गए, रिटायरमेंट ले लिया और कोई कप्तान नहीं है, तो रोहित शर्मा एज अ कैप्टन पंजाब किंग्स में भी जा सकते हैं, तो रोहित शर्मा के पास बहुत ऑप्शन है। अगर उनको रिलीज कर देंगे ना तो फ्रेंचाइजी उन पे ना पैसों की बरसात कर देगी और ना टूट पड़ेगी उन पे ना बहुत ज़्यादा बोली लगेगी, कोई भी टीम उनको नहीं जाने देना चाहेगी, लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस ही क्या पता रोहित शर्मा को रिटेन कर ले, रोहित शर्मा को नहीं जाने दे या फिर कुछ ऐसी बात हो जाए, कि बहुत चीज़ें हो सकती है यार, बहुत चीज़ें इंटरनली बातें चल रही होगी पहले से ही कि रोहित शर्मा का क्या मन है क्या नहीं है, ये तो रोहित शर्मा ने पहले से ही डिसाइड कर लिया होगा। लेकिन बहुत ही मज़ेदार ऑक्शन होने वाला है इस बार का, क्योंकि मेगा ऑक्शन है, बहुत सारे खिलाड़ी इस बार ऑक्शन में होंगे, और चाहे इंडियन टैलेंट हो चाहे बाहर के टैलेंट हो, हर कोई ना इस बार ऑक्शन में होगा कुछ खिलाड़ियों को छोड़ के, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दें।